हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ सब कोई अपना अपना ज़िंदगी में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह सुबह का समय है, तो आप लोग को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो अभी मैं अभी नाश्ता बनाई हूँ सुबह सुबह, मतलब बच्चों के लिए, और बच्चा को स्कूल भेज चुकी हूँ। मेरा बेटा उधर स्कूल जा चुका है। उसके बाद दोपहर के लिए मैं अभी सब्जी काट रही हूँ, उसके बाद नाश्ता ही आज बना लेती हूँ दोपहर, मतलब सुबह के लिए और दोपहर के लिए। उसके बाद मैं आज नहाऊँगी और पूजा पाठ करूँगी। तो अभी मैं कपड़ा को भी भिंगा के रख रही हूँ, बहुत सारा कपड़ा है धोने के लिए, तो पहले ही इसको थोड़ा सा भिंगा के रख देने से उतना घिसना नहीं पड़ता है, जल्दी थोड़ा धो देने से ही होता है। तो पहले इसको सर्फ से पूरा कपड़ा को भी, जितना सारा कपड़ा है सब भिंगा के रखूँगी, उसके बाद मैं दूसरा काम करने जाऊँगी। थोड़ा देरी भींगने से यह साफ़ होता है, मतलब इतना जीन्स वगैरह रहता है ना, वो सब जल्दी तुरंत भींगा के धोने से उतना छूटता नहीं है गंदा सब। तो पहले ही थोड़ा भींगा के रखने से ये सब थोड़ा साफ़ होता है और उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। तो मैं इसको अभी कपड़ा भिंगा के रख रही हूँ, उसके बाद मैं घर का बाकी सारा दूसरा काम करने जाऊँगी, फिर उसके बाद आके कपड़ा धोऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं घर का काम करूंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी और बाद में पूजा पाठ करूंगी। तो मैं अभी, मेरा नाश्ता बन चुका है और उधर कपड़ा भी भींगा के रख दी हूँ मैं। अभी जितना सारा बर्तन है थोड़ा बहुत इसको धोने के बाद फिर मैं घर को साफ करूंगी, पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि आज बालों में तेल लगाई हूँ और शैम्पू भी करना है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इधर घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से नहाऊँगी और घर में पूजा पाठ अच्छे तरह से करूँगी। तो मैं, मेरा नाश्ता बन चुका है और दोपहर के लिए खाना भी बन चुका है। तो थोड़ा वो जो बर्तन है उसको मैं भी धोऊँगी, उसके बाद घर में पोछा लगाऊँगी। तो देखिए, मैं भी बर्तन जितना सारा बेसिन में रहता है खाना बनाने के बाद जितना बर्तन निकला था उस सबको मैं भी धो रही हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊँगी। पूरा खाना उना बनाने के बाद किचन तो पूरा गंदा हो जाता है, तो ये सब बर्तन जो दिख रहा है सबको उतार के अच्छे तरह से आज पोछूंगी। तो मैं भी झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद मैं अब पोछा लगाऊंगी अच्छे तरह से।
तो फ्रेंड्स, मैं सोची थी कि सबको अच्छे तरह से बर्तन को उतार के अच्छे तरह से किचन को पोछा मतलब लगाऊंगी, तो देख रहे हैं कि बहुत समय हो गया तो अभी नहीं हो पा रहा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपना डंडा से ही घर में पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद नहाने में भी तो समय लगेगा, कपड़ा भी उधर धोना है, तो नहाने के बाद फिर पूजा भी करना है, इसीलिए अभी मैं जल्दी से डंडा से ही आज घर में पोछा लगा रही हूँ, उसके बाद फिर नहाने के बाद पूजा पाठ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।